ये वही आदमी है जो मेरे पति को ले गया था। उसे पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। रिलैक्स स्वाति, रिलैक्स। ये वो आदमी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यही आदमी डिमेलो है। यही मेरे पति को बॉम्ब में ले गया था। इसे पकड़ लीजिए। स्वाति, प्लीज। ये वो आदमी नहीं है, ये डिमेलो नहीं है, ये मिस्टर संदेश है, यहाँ के लोकल बिजनेसमैन है। तुम इसे पहचानने में गलती कर रही हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यही डिमेलो है। बता, बता मेरे पति को कहाँ गायब कर दिया। स्वाति, बता मेरा पति कहाँ है। बता हरी, स्वाति, 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 ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। I'm sorry about that. That's okay. बड़ी अजीब सी औरत है। तेरी है कौन? ये मेरी पेशेंट। पिछले हफ्ते इलाज के लिए बंबई से मेरे पास आई है। इनके हस्बैंड पिछले 7 महीने से लापता हैं। और उसी सदमे से ये कुछ पागल सी हो गई। और ये डिमेलो का क्या चक्कर? दरअसल इनके पति को डिमेलो नाम का आदमी अपने साथ ले गया। उसके बाद ना तो इनके पति का पता है, ना ही डिमेलो का। ये हर आदमी को डिमेलो समझती है। Oh, I see. मैडम, आपके ख्याल में ये वही आदमी है जिसने आपके पति हरि का अपहरण किया है? हाँ इंस्पेक्टर, ये आदमी संदेश नहीं, डिमेलो है। दाढ़ी मूछ लगाकर वो दुनिया को धोखा दे सकता है, पर मुझे नहीं। 7 महीने हो गए, पर आज भी उसकी शक्ल मेरे दिमाग में एकदम साफ है। सर, सर एक मिनट प्लीज। बोलो परेश। सर आपका ट्रांसफर तो अभी अभी यहाँ पर हुआ, लेकिन इस औरत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पर ये आधी पागल है, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप इसमें? वो तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी शिकायत का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सर मैंने कहा ना कि ये पागल है। आज से 7 महीने पहले इसका पति लापता हो गया। लापता हो गया और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई तहकीकात नहीं की तुम लोगों ने? ऐसा नहीं, हमने तहकीकात की थी सर। दरअसल क्या, इसका पति फ्रीलांस टाइपिस्ट था, जो भी काम मिलता था कर लेता था, लेकिन जहां थोड़ा पैसा हाथ में आया वहीं दारू पीने के लिए बैठ जाता था। सर और तो और, इसका पति कई दिनों तक घर भी वापस नहीं लौटता था। नहीं, ये सब झूठ है। ये घर से बाहर कभी नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है कि 7 महीने हो गए और वो घर नहीं आए। और आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते कि डिमेलो ने ही उनको कहीं गायब कर दिया है? कौन है ये डिमेलो? पता नहीं सर, 7 महीने से यही रट्टा लगा रही है, डिमेलो, डिमेलो, डिमेलो। मगर ये डिमेलो कौन है, कहाँ रहता है, हमें तो नहीं मिला सर। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, डिमेलो एक बहुत अमीर आदमी है। वो अक्सर मेरे पति को अपनी कार में बिठा कर ले जाया करता था। अगर अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे पति के दोस्तों से पूछ लीजिए, वो आपको बार में मिल जाएंगे। पता नहीं साहब, जब से उसको वो कार वाला आदमी मिला है ना, क्या नाम उसका, डिमेलो, तब से वो हम लोग को भूल गया साहब। कौन है ये डिमेलो साहब? पता नहीं साहब, हरे पहले हम लोग को रोज मिला करता था, फिर अचानक गायब हो गया। 15-20 दिन में एक आध बार मिलने लगा और कहता था अब मैं ये देसी दारू नहीं पीता, अब तो डिमेलो साहब मेरे को विलायती पिलाते हैं। हरी ने कभी डिमेलो साहब का कोई आता पता बताया था? नहीं साहब, हरी ने कभी कुछ नहीं बताया था। डिमेलो साहब हरी को मिलने यहाँ आए होंगे? वो इतने अमीर आदमी, वो भला यहाँ पर क्यों आते देसी दारू के अड्डे में? तो फिर वो हरी को कांटेक्ट कैसे करते थे? वो अपना जगन है ना, वो जगन के पास मैसेज छोड़ देते थे। जगन? कौन है ये जगन? जगन उसका टेलीफोन बूथ है। हम सबके मैसेज उसके पास ही आते हैं। हमारे जो भी मैसेज आता है वो नोट कर लेता है और बाद में हम लोग को दे देता है सर। डिमेलो हरी के लिए कैसे मैसेज छोड़ता? रोजाना एक ही मैसेज होता था सर, हरी से कहना इतने बजे ठीक उसी जगह पे मिले, हरी आता तो मैं उसे मैसेज दे देता। उसी जगह मतलब कौन सी जगह? ये नहीं मालूम सर। तुम्हारे पास डिमेलो का फोन नंबर है? हरी ने कभी तो उन्हें यहाँ से फोन किया होगा। एक बार हरी को कुछ काम था और उसने यहाँ से फोन करके डिमेलो साहब से मिलना कैंसिल किया था।
ये कब की बात है? शायद उसी महीने की जिस महीने से वो लापता हुआ है। तुम्हारे पास फोन कॉल के रिकॉर्ड्स तो होंगे ना? हाँ सर। सर प्लीज अंदर जाके चेक करो। देखता हूँ। मिल गया। सब 9823383 8484। हेलो, हाँ जी, मैं डिमेलो साहब से बात कर सकता हूँ? विक्टर डिमेलो यहाँ नहीं है। क्यों? ये घर उसका नहीं है? ये घर उसका है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कि आप उसे मिल नहीं सकते अब। क्यों? वो कहीं बाहर गया है? कहीं पूना तो नहीं गया वो? नहीं इंस्पेक्टर, पूना नहीं, वो ग्रेवयार्ड में है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में? हाँ, कब्रिस्तान। जब से वो मरा है ना, वो वहीं है। मरा? नहीं, ये सब झूठ है। 2 दिन पहले उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो... और मैंने अपनी आंखों से उन्हें कब्र में दफन होते हुए देखा है। वो मेरे हस्बैंड थे। I'm sorry, Mrs. Dimon. लेकिन उनकी मौत कब हुई? 7 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, 29 सितंबर को। 29 सितंबर? उसी दिन से तो मेरे पति लापता है। आप कहना क्या चाहती हैं? मिसेस डिमेलो, क्या मैं आपके पति की तस्वीर देख सकती हूँ? ये है मेरे पति। ये तो वही है जिसे मैंने पूना में देखा है। ये वही है। हाँ, ये वही है। बेवकूफ औरत, क्या बक रही है तुम? मेरा दामाद पूना में नहीं, 6 फुट गहरे कब्र में है। नहीं, वो नहीं मरा, जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बस फर्क सिर्फ इतना कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा दिमाग है? कंट्रोल योर टेंपर। छोड़ो मुझे। इन्हीं दो हाथों से मैंने उसकी लाश को कार से बाहर खींचा। मैंने और मेरी बेटी ने उसकी लाश की पहचान की। इन्हीं दो हाथों से 6 फुट गहरे कब्र में उतारा मैंने, और ये कहती है कि वो जिंदा है। पागल औरत, जाओ जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। झूठ है ये सब, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। मान लेते हैं कि वो जिंदा है, तो वो पूना में क्या कर रहे हैं? यहाँ उनका इतना बड़ा घर है, बिजनेस है, मैं हूँ, तो वो पूना में क्यों पड़े हुए हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत सचमुच पागल है। Something wrong. कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है, तो ये आप बात चेतन जोशी से कंफर्म करवा सकते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ विक्टर की डेड बॉडी को पहचाना था। ये चेतन जोशी कौन है? मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर। देखिए मिस्टर शशिकांत, मैं आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूँ। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसने कहा था कि वो चंद दिनों से आपके यहाँ हेड ऑफिस में काम कर रही है, और आप कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आती, तो आखिर वो गई कहाँ? मैं नहीं जानता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। पिछले 1 हफ्ते से वो छुट्टी पर है। क्या? हाँ, हमारे पास उसका रिटन एप्लीकेशन भी है। इन सब बातों से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो यहाँ काम करती है और पिछले कई दिनों से घर नहीं आई है। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ काम करती है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ करके देखिए। मुझे अपनी मदद के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का आदी हूँ। और हाँ, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं नहीं जानता हूं कि मामला क्या है, लेकिन आप इन्हें मेरे सामने रखिए। आप जो मर्जी आए समझिए। और हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा यहां, समझे? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। दरअसल मैं इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई, और उसका गुस्सा ही मुझ पर उतार रहा है। इट्स ओके, मैं समझता हूँ।
हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, आप विकी के बारे में बात कर रहे थे। उसको मरे हुए तो 7 महीने हो गए। आपको विश्वास है कि वो मर चुका है? 100%। हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। और फिर मैं उसकी बॉडी को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? और फिर उसके कपड़े, घड़ी, जूते। आपने उसका चेहरा नहीं पहचाना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन सिर्फ मैंने ही तो नहीं बल्कि उसकी बीवी और ससुर ने भी तो उसे पहचाना। सबके सब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? तो शक की गुंजाइश है। हो सकता है स्वाति ने जिस आदमी को पूना में देखा हो वो शेड्डी मेलो साहब ही हो। सारी दुनिया छोड़ करके पूना ही क्यों? और इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो अपने मौत का ड्रामा बना करके पूना में जा बसा है? हो सकता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए वो ऐसा क्यों करेगा। उसकी सारी फैमिली, बिजनेस, जायदाद, रुपए पैसे यहाँ पर है, ऐसा नहीं कर सकता वो। मैं भी बार बार यही सोच रहा हूँ कि अगर विक्टर डिमेलो जिंदा है तो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी, रुपए पैसे, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस छोड़कर चला कैसे गया? इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है? सर तुम आ गए? सर मैं इंश्योरेंस कंपनीज में गया था, वहां से इंफॉर्मेशन मिली है। उसका इंश्योरेंस था ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर, उसका इंश्योरेंस था। आई न्यू इट, विक्टर डिमेलो, GVS इंश्योरेंस कंपनी। विक्टर डिमेलो का 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, ये एक वजह हो सकती है परेश। और हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए का चेक भी मोना को दे दिया है। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि पैसों के लिए मोना ने अपने पति का एक्सीडेंट करवा दिया हो। आई डाउट इट, मोना जोसेफ की इकलौती वारिस है और जोसेफ कम से कम 500 करोड़ रुपए की आसान है, तो 25 लाख रुपए के लिए मोना अपने पति को क्यों मरवाएगी? इसमें कोई और राज है और हमको इस राज की गहराई तक पहुंचना है, और उसका एक ही रास्ता है। वो क्या सर? हमें कब्र खुदवा कर विक्टर डिमेलो की लाश को बाहर निकालना होगा। मेरे पास कोर्ट की परमिशन है। मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूं कि यह आदमी जो इस कब्र में दफन है वो आपका दामाद विक्टर डिमेलो है या कोई और है। इंस्पेक्टर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन सर, हम पहचाने कैसे कि ये लाश किसकी है? 7 महीने हो चुके हैं, बॉडी तो सड़ गल गई है। इंश्योरेंस पेपर्स हमारी मदद करेंगे। मैं समझा नहीं सर। इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करने से पहले हर आदमी का पूरा मेडिकल चेकअप होता है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में उसके शरीर के दाग और निशान सब लिखे जाते हैं। आई मीन टू से द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। लेकिन फिर भी सर, उस रिपोर्ट के बुनियाद पर इस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। कॉलेज के जमाने में विक्टर डिमेलो का एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके सीधे पैर का एंकल बोन टूट गया था और डॉक्टरों को हड्डी की जगह एक मेटल की प्लेट डालनी थी। इसका मतलब है सर, अगर ये लाश विक्टर डिमेलो की है तो उसके पैर में वो लोहे का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो परेश हमको इस केस की गुत्थियों को फिर से सुलझाना पड़ेगा। सर हो गया। काफी टूटी हुई है, लगता है डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुई है।
वो तो ठीक है, लेकिन लोहे की प्लेट का क्या हुआ? हाँ देखिए, इंश्योरेंस की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लोहे की प्लेट ठीक यहां लगाई जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन इस पिंडली की हड्डी को देख करके लगता नहीं है कि यहां पर कभी कोई लोहे की प्लेट लगाई गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये शरीर विक्टर डिमेलो का नहीं है। फिर ये शरीर किसका है? देखिए, मैंने म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में जाके पता लगाया था, जहां पर टाइपिस्ट हरी अक्सर अपना इलाज करवाता है। कुछ अर्सा पहले उसने अपने दांतों का इलाज करवाया था और अपने दांतों में ये प्लेट फिट करवाई थी। प्लेट देख रहे हैं जी? और ये प्लेट यहाँ भी दिखाई देती है, एग्जैक्टली मैच करती है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मतलब साफ, ये विक्टर डिमेलो का शरीर नहीं है, बल्कि टाइपिस्ट हरी का शरीर है। और सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या डॉक्टर? देखिए, इसकी हड्डियां जरूर कार एक्सीडेंट में टूटी, लेकिन ये कार एक्सीडेंट में मरा नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले इसकी मौत हो चुकी है, किसी तेज जहर की वजह से। जहर की वजह से? जी, खास करके आर्सेनिक पॉइजन। आर्सेनिक? जी। डॉक्टर, आप इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ये शरीर तो एकदम गल गया है और इसके पेट में भी कुछ बाकी नहीं रहा है। देखिए, आर्सेनिक जहर अपना असर बालों पर जरूर छोड़ता है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बाल हमने इसकी खोपड़ी से लिए हैं, इसमें आर्सेनिक जहर का असर है। इसका मतलब इसमें जिसका भी हाथ है उसने हरी को जहर दे के मारा, फिर उसकी लाश को कार में डाल के उसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया है, am I right? Exactly. और ये देखिए, ये यहाँ, ये किसी बहुत ही तेज एसिड का निशान। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। दरअसल इसका चेहरा जो है वो कार एक्सीडेंट से नहीं बिगड़ा, बल्कि इस पर किसी ने बहुत तेज एसिड डालकर इसको जलाया है, ताकि कोई इसका चेहरा पहचान नहीं सके। मेरे ख्याल से ये कार एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, बल्कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश के अनुसार किया हुआ एक खून है। मैंने कहा था ना, हरी मुझे खुद से छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जरूर जरूर किसी ने उसे कुछ कर दिया है, और देखो हुआ ना, वही चला गया, वो चला गया। आप फिक्र मत करो, मैं हरी के कातिल को ढूंढ के निकालूंगा। आप प्लीज जाइए। अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई, डिमेलो को अपनी मौत साबित करने के लिए एक मुर्दे की जरूरत थी, वो मुर्दा बना कौन? बेचारा हरी। सर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है कि इसमें डिमेलो को क्या फायदा, जबकि इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तो मोना को मिले। हो सकता है कि डिमेलो और मोना एक दूसरे से मिले हों। अब सच्चाई तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सर? खुद डिमेलो। स्वाति ने कहा था कि उसने पूना में डिमेलो को देखा। सच्चाई जानने के लिए पूना जाना। देखिए, आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह याद है। स्वाति मेरे पास बॉम्बे के एक साइकेट्रिस्ट के रिकमेंडेशन पर आई थी। यहाँ आकर उसकी तबीयत संभल भी गई थी, लेकिन उस दिन तो उस दिन क्या? उस दिन मेरे ओपीडी पेशेंट मिस्टर संदेश को देखकर चिल्लाने लगी, कहने लगे ये वही है, ये वही है, ये तो डिमेलो है जो मेरे पति को अपने साथ लेकर गया है। ओ, क्या मिस्टर संदेश आपके रेगुलर पेशेंट है? जी नहीं, ओपीडी आउट पेशेंट। बरसों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो एक पैर से लंगड़ाते हैं। मेरे पास ये जानने के लिए आए थे कि ये लंगड़ाहट ठीक हो सकती है या नहीं। लंगड़ाहट? वो दाहिने पैर से लंगड़ाते हैं ना? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और पर्सनली मिलकर बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ। आपके हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स तो होंगे ना, एड्रेस भी होगा? जी हाँ, श्योर। रेखा जरा वो मिस्टर संदेश की फाइल तो निकालना। अभी शायद 112 नंबर है। सर, ये तो मर गया सर। आखिर में तुम तक पहुंच ही गया मिस्टर डिमेलो।
उस संदेश, लेकिन अफसोस मेरे पहुंचने से पहले कोई और ही तुम्हारा काम कर कर चला गया। सॉरी डिमेलो, जीते जीते मैं तुमसे मिल नहीं सका, वरना बहुत सी बातों का पता चल जाता। सर, सर डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत कल रात 10:30 बजे के आसपास हुई और इसे किसी भारी चीज से मारा गया। ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर, इस पर से उंगलियों के निशान अच्छी तरह से साफ। तुम्हें कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, सर कुछ चीजों पे से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, बट कुछ चीजों पे से ऐसा लगता है कि साफ मिटा दिए। समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है खून करने के बाद घबराहट में कुछ चीजों पे से निशान मिटाना भूल गए। और वैसे भी ये मर्डर तानी के साथ किया गया नहीं लगता, वरना वो कोई हथियार अपने साथ नहीं लाया होता। सर वैसे तो हमें कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये डिमेलो की डायरी मिली है सर। ये देखिए, ये कल की डेट का अपॉइंटमेंट है। सी से रात को 10:30 बजे मुलाकात। डिमेलो का खून भी इस टाइम के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिमेलो से कल रात मिलने आया होगा। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान सी ने डिमेलो को खत्म कर दिया। इसका मतलब सी ही डिमेलो का कातिल है। परेश, तुम्हें ये बॉडी बॉम्बे ले जानी होगी। जोसेफ और मोना को इत्तला कर दो कि डिमेलो की मौत एक बार फिर हो गई। मिसेस मोना, लगता है आपकी पति की मौत का आपको ज्यादा दुख है। जब मेरे पति पहली बार मरे थे तो मैंने अपने सारे आंसू उन पर बहा दिए थे, अब कुछ बचा ही नहीं है। रोना तो क्या, मैं इसके चेहरे पे थूकना भी नहीं चाहूंगा। इसने हमारे साथ धोखा किया और उसकी सजा मिल गई। हो सकता है कि आप दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर, मैं खामखा आपसे बहस नहीं करना चाहता। जिस वक्त इसकी मौत हुई थी हम लोग बंबई में थे और इसके सबूत भी है हमारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन वो 25 लाख रुपए का क्या होगा? 25 लाख? हाँ, वो रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी बेटी को दिए थे। विकी की पहली मौत तो फ्रॉड थी, वो पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर, ये 25 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाएंगे आप? क्योंकि ये पैसे मैंने विक्टर के पार्टनर चेतन को दे दिए। चेतन को? हाँ, मेरे दामाद ने चेतन के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। दोनों ने 30-30 लाख रुपए लगाए, हालांकि वो 30 लाख भी मैंने ही दिए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बिजनेस में घाटा हो गया तो उसने मुझसे 25 लाख रुपए और मांगे, जो मैंने देने से इनकार कर दिया। विक्टर के मरने के बाद जब इंश्योरेंस के मुझे रुपए मिले तो चेतन ने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड की और वो रुपए मैंने उसे दे दिए। जो 2 हफ्ते पहले पूना में मिस्टर संदेश के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मिस्टर चेतन, आपने 25 लाख रुपए मिस्टर संदेश को दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, अब आया रास्ते, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, फिर तुमने मोना और जोसेफ को झूठ क्यों कहा कि तुम नुकसान में जा रहे हो? चाहता था। देखो मिस्टर चेतन, तुम शुरू से जानते थे कि डिमेलो जिंदा है, राइट? लेकिन
ये बात तुमने मुझसे छुपाई, इसका मतलब है हरी का खून करने में तुम भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने में भी तुमने दीवन का पूरा पूरा हाथ बताया। ये सब गलत है। ये सही है। वो सी जो उस रात डिमेलो से 10:30 बजे मिलने वाला था, वो कौन है? वो सी तुम ही हो, सी वो चेतन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच सच बताता हूं। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं ये कबूल करता हूं कि मैं ही जानता था कि विक्टर डिमेलो जिंदा है। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मैंने उसकी मौत का ड्रामा खेलने में उसकी मदद की, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं जबरदस्ती मुसीबत मोल ले रहा हूं। चक्कर क्या है, साफ साफ बता दो। अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने ससुर जोसेफ से बहुत डरता था। फिर उसने सोचा कि अपनी मौत का ड्रामा खेला जाए और खुद से मदद मांगी। और तुमने हरी का फोन करके उसकी मदद की? नहीं, हरी के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है, वरना मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। डिमेलो ने तो मुझसे कहा था कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए मुर्दे सप्लाई करता है, और उसी आदमी ने उसके लिए एक ऐसा मुर्दा शरीर ढूंढ लिया था जिसकी बनावट बिल्कुल उसके शरीर के जैसी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रामे में तुम्हारा रोल ये था कि तुम उस शरीर को डिमेलो का शरीर साबित करो, राइट? हाँ, फिर मैं उसे पूना ले गया जहां मैंने उसकी पहचान सबसे संदेश के नाम से करवा दी, उसके नकली पेपर बनवाए और राशन कार्ड बनवा दिया। और इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मोना से लेकर तुमने उसी को दे दिए? हाँ, उसने मोना से पहले कह दिया था कि उसने मुझे 25 लाख रुपए देने हैं। जब इंश्योरेंस के पैसे मिले तो मैंने मोना से मांगे, उसने मुझे दिए और मैंने डिमेलो को दे दिए। सच सच बता दो कि ये सी कौन है जो उस रात 10:30 बजे डिमेलो को मिलने वाला था। मुझे नहीं पता। सीधी तरह बता दो वरना। बताता हूँ, वो एक लड़की है जो हमारे पुणे वाले ब्रांच में काम करती है, उसका नाम है चारुलता। आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूं। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहां है वो मैं नहीं जानता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो उस दिन जो आदमी तुमको ऑफिस में धमका रहा था वो चारुलता का पति था? हाँ, उसका नाम शशिकांत है। चारुलता और डिमेलो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन दोनों की मजबूरी यह थी कि वो दोनों शादीशुदा थे। जोसेफ और शशिकांत के डर से दोनों ने भागने का फैसला किया, और इसीलिए डिमेलो को 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। मीट सी एट 10:30। इसका मतलब यह हुआ कि डिमेलो उस रात चारुलता को मिलने वाला था। हाँ, लेकिन शायद शशिकांत वहां से पहले पहुंच गया और उसने उस समय आकर डिमेलो का खून कर दिया। चारुलता का पुणे वाला एड्रेस मरता है? हाँ, शायद शशिकांत। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार था। का मतलब आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? जी हां, मैंने ही उस कमीने को मारा है। उसने मेरे जान को मुझसे छीन लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। जब से चारू ने मुझे धोखा दिया है मेरे जीने की तमन्ना नहीं रही। लेकिन
ये सब हुआ कैसे? मैं शराब बहुत पीता हूँ और गुस्से का बहुत तेज आदमी हूँ। जब मुझे चारों की बेवफाई का पता चला तो मेरा खून खौल उठा। आपको पता कैसे चला? चारों करीब एक हफ्ते से घर से गायब थी। मैं उसकी तलाश में परेशान था। कल रात 8 बजे एक औरत का फोन आया। हेलो, क्या आप अपने बीवी का पता मालूम करना पसंद करेंगे? हाँ, कौन हो तुम? मेरा छोड़िए, आपकी बीवी का नाम चालू लेता है ना? हाँ, वो ठीक तो है। हाँ, ऐश कर रही है, किसी मर्द के साथ भागने वाली है। क्या बोलती हो? उस आदमी का नाम संदेश है। दोनों कल सुबह बैंगलोर जा रहे हैं। एलबी रोड पर स्वस्तिक ट्रैवल्स में आप चेक कर सकते हैं। मुझको और भी बहुत कुछ पता है। आज रात 10:30 बजे गिरनार अपार्टमेंट्स में संदेश से मिलने वाली है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए। नहीं बता सकता। नहीं तो बता दो प्लीज। मिस्टर संदेश, मिस चालू लगा बैंगलोर। हाँ, इनकी टेंटेटिव बुकिंग। अब मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं गुस्से से पागल हो गया और सीधे डीमेलो के घर जाऊं। तुम यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? तुझे तो किसी और का इंतजार था ना? चारुलता कहाँ है? चारुलता? हाँ, चारुलता। कौन चारुलता? कौन चारुलता? मैं किसी चारुलता को नहीं जानता। तू किसी चारुलता को नहीं जानता? देखो, मैं देखो। हरामजादे, तू क्या समझता था कि तू मेरी बीवी को बैंगलोर भगा कर ले जाएगा? और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो देखो, दूर रहो। आप क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, तेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, हाँ, मैं समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह से मैंने उसका खून कर दिया। फिर तुमने क्या किया? उसे मुर्दा देखकर मैं घबरा गया। मैं नशे में था इसलिए उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ नहीं कर सका। और चारुलता का क्या हुआ? जब वो वहां आई तो तुमने उसका भी खून कर दिया? नहीं, कुछ देर मैंने उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैं भागकर यहां आ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। इसका मतलब तुम्हें यह पता नहीं कि चारुलता कहां है? काश मुझे पता होता, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि वो औरत कौन थी जिसने मुझे फोन किया था। क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही वो औरत हैं जिसने शशिकांत को फोन किया और चारुलता और डिमेलो के बारे में सब कुछ बताया। What nonsense! इसी तरह से आपको पता चल गया था कि डिमेलो और चारुलता पूना में रात को 10:30 बजे मिलने वाले हैं। आपको तो बदला लेना ही था, इसलिए आपने शशिकांत को फोन कर दिया। मैंने कोई फोन वोन नहीं किया। पूना मेम साहब, जब भी आप कोई गुमनाम फोन करें ना, तो जरा सोच लें कि आप अकलाती हैं। मैं टेलीफोन कंपनी से आपके घर से की हुई सारी फोन की लिस्ट लूंगा और अगर कोई एसटीडी कॉल शशिकांत को पूना में किया गया हो ना, तो मोना मेम साहब, आपकी तो छुट्टी। मतलब कैसे? डिमेलो ने तुम्हें डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला था। एक्चुअली उसने हरी को धोखे से मार डाला था क्योंकि हरी उसके डील डॉल का था। फिर उसने हरी के चेहरे को तेजाब से जलाकर अपनी छोटी मौत साबित कर दी। फिर वो संदेश मांगकर पूना चला गया। इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए लेकर जो कि मैंने उसे दिए,
चारुलता के साथ वो एक नई जिंदगी बिताने के लिए एकदम तैयार था, लेकिन अचानक वहां शशिकांत पहुंच गया और उसने डिमेलो का खून कर दिया। लेकिन शशिकांत को कैसे मालूम हुआ? बस यही एक गलती मुझसे हो गई। मैंने मोना को बता दिया था कि डिमेलो पूना में छुपा हुआ है संदेश भरकर। बस वो समझ गए कि वो चारुलता के साथ भागा। कैसे? उसके डैडी के कनेक्शंस हर तरफ हैं और मोना भी एक चालाक औरत है। उसी ने शशिकांत को फोन किया था। शशिकांत को तो डिमेलो के खून की सजा मिलेगी, लेकिन मैं मोना को उसके जुर्म की सजा दिलवा कर आऊंगा। एक बात और है, चारुलता ने भी तो खून होते हुए देखा होगा, क्योंकि वो भी वहां 10:30 बजे पहुंची होगी। आखिर वो कहीं तो गई कहां? बस एक बार वो मिल जाए तो ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए चारुलता। कहीं पुलिस को शक तो नहीं हो गया किसी का मतलब तुम हो? नहीं, पुलिस तो यही सोच रही है कि तुम और डिमेलो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों भागने की तैयारी कर रहे थे और शशिकांत को पता चल गया और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। और मेरे बारे में पुलिस की क्या राय है? वो लोग ये समझ रहे हैं डर के मारे छुपी पड़ी हो। लेकिन जब मैं लोगों के सामने आऊंगी तो इतने दिन कहाँ गायब रही, इसके लिए क्या बहाना बनाऊंगी? अरे बाबा कोई भी बहाना बना देना कि। तो ठीक है, मैं लोगों से कह दूंगी कि तुमने मुझे यहाँ छुपा रखा था और यहीं से सारा प्लान बनाया था। तुम्हें ठीक लगता है तो बेशक बोल देना। मैं मजाक कर रही थी, हमें शादी के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब तुम्हें बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शादी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिमेलो से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुमने आत्महत्या कर ली। मैं समझी नहीं। हरी को मैंने जिस जहर से मारा था उसका एक कैप्सूल मेरे पास अब तक बचा हुआ है, जो तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे प्यार करते हो चेतन? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर रहा था, तुम ही मुझे परेशान करती रहती थी। डिमेलो को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझे ब्लैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से मुझे एक के बाद एक जुर्म कर देना पड़ा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं मरोगी तो जिंदगी भर फांसी का पंगा मेरे सर पर लटका रहेगा। मेरे जुर्म की तुम एक ही गवाह बची हो, तो मरना ही पड़ेगा। और फिर सिर्फ एक कैप्सूल और 30 सेकंड की ही तो बात है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान निकल। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आप मुझसे कैसे पूछे? तुम्हारी एक गलती की वजह से। गलती? कौन सी गलती? तुमने संदेश के नाम से पूना के स्वास्थ्य ट्रेवल्स में अपने ऑफिस से एक फोन किया, जिसका रिकॉर्ड हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिल गया। बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और नतीजा सामने है। और मैं सोचा था कि आप मेरी बातों में आ गए और मुझ पर भरोसा करने लग गए। पुलिस वाले किसी पर भरोसा नहीं करते मिस्टर चेतन। लेकिन अब आपको मेरी इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। कौन सा नया प्लान सोचा है तुमने? अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान बिल्कुल सीधा और असरदार है, जिसको अमल करने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। एक गलती, सिर्फ एक गलती और सारा खेल। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में वो आपको छोड़कर अकेले जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन वो मिस्टर जोसेफ से डरता था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। वो चारुलता और चेतन के संबंध में भी सब कुछ जानता था, इसलिए उसने चेतन को मजबूर किया उसकी मदद करने के लिए। हाँ, इस बात का शक था मुझे कि चेतन डिमेलो की इतनी मदद क्यों कर रहा है। जरूर किसी कारण उसका उस पर कुछ दबाव है। इंस्पेक्टर, वो इंश्योरेंस के पैसे चेतन ने विक्टर को दे दिए थे क्या? दिए तो थे, लेकिन वो और पैसे मांग रहा था, अपने पार्टनरशिप का आधा हिस्सा। तंग आकर चेतन ने प्लान बनाया। उस रात 10:30 बजे डिमेलो चेतन का इंतजार कर रहा था, लेकिन 30 लाख रुपए लेकर चेतन वहां पहुंचा ही नहीं। वो पूना गया नहीं, उसने बॉम्बे से ही फोन पर ट्रैवल एजेंसी में संदेश और चारुलता के नाम से 2 टिकटें बुक कराई। और
चारू लता ने शशिकांत को फोन कर मेरी तरह हकलाकर बात करते हुए ये बताया कि चारू लता और विक्टर भाग रहे हैं। आपकी हकलाने की वजह से मैं ये समझा कि ये काम आपका है। शशिकांत ने गुस्से में डिमेलो का खून कर दिया। चेतन की जुर्म की सिर्फ एक ही गवाह थी, चारू लता। उसे भी उसने इतनी सफाई से मारने की कोशिश की ताकि पुलिस ये समझे कि डिमेलो के गम में उसने आत्महत्या कर दी। बट क्राइम नेवर पेज़।